हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इजी किचन हैक्स में। आज हम आलू परवर की मसालेदार सब्जी बनाने जा रहे हैं, वो भी हम बिना टमाटर के बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम परवर और इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू लिए हैं, आलू को भी बड़े बड़े टुकड़े में ही काट लेना है। दोनों सब्जियों को अच्छे से धो लिया है। अब हम गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस परवर को हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और स्वाद में फ़र्क होता है, इसलिए फ्राई ज़रूर करिएगा। 2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं आलू डाल रही हूँ और आलू को भी हम 2 मिनट के लिए साथ में ही फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, हम यहाँ पे 3 प्याज कट कर लेंगे। तो प्याज को हमें बारीक काटना है, तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमें इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, थोड़े से ब्राउन कलर में आ चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। सेम ऑयल में हम डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग और एक स्टार एनिस मतलब फूल। आप चाहें तो इन मसालों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए, प्याज जैसे ही 2 मिनट के लिए भून जाए, हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे मैं मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ, आप मिर्ची को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए अदरक मिर्ची जैसे ही भून जाए, हम यहाँ पे डाल देंगे हमारा भुना हुआ परवर और आलू। साथ ही इसमें डालेंगे हम मसाले, तो हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी और इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे आलू अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते, पक नहीं जाते। तो ये देखिए, आलू अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू परवर की सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिना टमाटर की ये आलू परवर की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।